Hello Namaste and welcome Dosto. Hope you are doing fantabulously well. This video is all about our weekend special breakfast. I tried making masala dosa with two types of chutney. I know it is not a fancy meal, but it's an effort to make my family feel really special. So hope you'll enjoy this cooking vlog. Stay tuned for so many talks. Enjoy the video. सो दिस वीडियो वॉज सपोज टू बी माई क्लिनिंग वीडियो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर के डिफरेंट सेक्शंस को कई सारी टिप्स के साथ क्लीन करूँगी बिकॉज दैट टाइप ऑफ कंटेंट इज डूइंग रियली वेल ऑन माई चैनल बट ड्यू टू सम स्पेशल कमिटमेंट्स एज वी आर इन अ वेकेशन मोड मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो हैर इन अ रिकॉर्डेड सम स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी जहाँ पर मैं मसाला डोसा बना रही हूँ उसमें डोसे की सब्जी और कारा चटनी एंड देन नारियल की चटनी एल मेक कॉम्बिनेशन सो डू नॉट ओनली वीडियो मेकिंग बट द होल प्रोसेस ऑफ कुकिंग दिस साउथ इंडियन क्विजीन वॉज एक्चुअली वेरी टाइम टेकिंग सो आई हैव टू रियली अर्ली बाई वे जो मैंने अभी दाल भी गई थी दैट इज नॉट फॉर सांबर आज मैं सांबर नहीं बना रही हूँ चना दाल एंड उड़द दाल आट फॉर टू थिंग्स जब हम आलू की भाजी बनाएंगे उस वक्त एंड देन फॉर कारा चटनी तो आई हैव टू सोक दीज थिंग्स फॉर फ्यू मिनट्स इन वाटर दिस इज इडली डोसा बैटर में क्या एड करते हैं अगर आपको करनी हो तो so, नहाने से पहले ये प्री प्रिपरेशन हो चुकी थी अब मैं नहा के आ गई हूँ आलू भी ठंडे हो चुके हैं अब लगते है एक्चुअल काम पर मेरे नहाकर आने तक ये पोटेटोस ठंडे हो चुके हैं अब इसकी आलू की बज्जी बनेगी यानी सब्जी बनेगी और मैं ना कंफ्यूज जाती हूं कि कभी आठ पोटैटोज डालूँ कि सारे डाल दूँ कि कुछ बचा के रख दूँ तो ये कैलकुलेशन चलती रहती है अच्छा जो मैं ये वुडन प्लेट पर मैं जमा कर रही हूँ ना वो मैं कारा चटनी के इंग्रेडिएंट्स जमा कर रही हूँ सब यहाँ वहाँ से सामान जमा करके एक जगह पहले रख देती हूँ ताकि मेरे से कुछ स्किप ना हो जाए क्योंकि हर बार ऐसे होता है ना मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ जैसे मैं इस बार भूल गई करी लीव्स डालना सब तैयारी करने के बाद भी मैं करी लीव्स डालना भूल जाती हूँ करी लीव्स के बिना थोड़ा सा तड़का का फ्लेवर कम था पर बहुत अच्छी लग रही थी ये चटनी तो जब भी हम कोई चीज़ कभी कभार बनाते हैं ना तो आई प्रेफर टू तो कलेक्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्री हैंडेड तो यहाँ पर मैंने प्लेट पे सारी चीज़ें जमा कर ली हैं और अब फ्लोडी डाल दे जाऊँगी काढ़ा चटनी यानी कि रेड टमाटर और ऑनियन वाली चटनी अगर आपने कभी नहीं खाई हो तो ज़रूर ट्राई करिए घर पर कोकोनट चटनी से भी कई ज़्यादा टेस्टी होती है और ये एक्चुअल टेस्ट इन्हेंसर है साउथ इंडियन की की ओनियन और टमाटो का जो रेशो होता है वो वन इज टू टू होता है यानी दो हिस्से होते हैं टमाटर के तो अब हम इसे टमाटर डाल के नमक डालकर पकने देते हैं टिल द टाइम ये चटनी पक रही है लेट मी शेयर विद यू कि ये मे मंथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मई 2024 ट्वेंटी इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज आज से तीन साल पहले मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी चालू की थी ट्वेंटी फर्स्ट मई ट्वेंटी मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था और अब तक तीन साल हो गए हैं बहुत सपोर्ट मिला है अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स और आप सभी से एक एक्सटेंडेड फैमिली से आप सभी से हम रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और जरूर कमेंट करिए कि आप हमारे चैनल पे और ज्यादा क्या चीजें देखना चाहते हैं लाइक क्लीनिंग वीडियोज कॉमेडी वीडियोज़ एंटरटेनिंग वीडियोजी आई वाई वीडियोज एंड सो ऑन आप सभी के कमेंट्स एंड रिमार्क्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट एक वीडियो क्रिएटर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए जो इनपुट ऑडियंस से मिलता है दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट सो बिफोर आई रिज्यूम टू आलू की सब्जी लेट मी थैंक एवरी वन फॉर द वैल्यूएबल टाइम दे हैव स्पेंट ऑन माई चैनल और कमेंट्स जरूर करिएगा सो कमिंग बैक टू द आलू की सब्जी यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ तो बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर ऑनियन डालना भूल गई थी विच इज़ वेरी क्रूशल पार्ट क्योंकि अब तक तो बनाते बनाते दस बज गए थे और सारे उठ गए थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो यहाँ वहाँ की आवाज़ और चलम-चली में मैं ऑनियन डालना ही भूल गई बस मुझे फटाफट फूड -फट रेडी करना था भाई ये थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए था क्योंकि कारा चटनी बनानी है तो आपको चटनी पिसाई करने के लिए उसको ठंडा करने रखना है और जब डोसा बनाना है तो उसे थोड़ा बहुत फर्मेंट करने रखना है तो ईच एंड एवरी थिंग टेक्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पर अब हम फाइनली अपनी डिश के क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके हैं आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है बस चटनी इस पर अभी लगाना है तड़का और बनाने हैं डोसा ये डोसा की सब्जी हमारे घर पर बनती ही रहती है आए दिन और हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम इसे फ्रैंक में डालकर भी खा लेते हैं सॉस के साथ बहुत अमेजिंग बहुत टेस्टी लगती है इसमें जो लास्ट में लेमन जूस पड़ता है उससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है यू मस्ट ऑल्सो गिव इट ट्राई मुझे खाना बनाना तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है पर आज की इस साउथ इंडियन वाली क्यूजी ने तो मेरी अय्यों निकाल दी क्योंकि इतना ज़्यादा समय लगा था ना मुझे लगा था आज दिन में मैं सिर्फ इन सबको खिचड़ी बना के दूंगी पर सच में मैं बहुत अच्छी हूँ मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने अच्छी सब्ज़ी बनाई थी पनीर की सब्जी बनाई थी बिसाइड ऑल दिस ठीक है अब दिन अच्छा शुरुआत किया ही है तो अंत क्यों खराब करना तो ये लग गया है हमारी चटनियों का तड़का और अब हम निकालेंगे अपना नया पैन और बनाएंगे डोसा सो लेट्स मेक इट आई एम यूजिंग दिस पैन फॉर द वेरी सेकेंड टाइम दैट आई बॉट फ्रॉम आई क्या और ये बहुत अच्छा है इस पर डोसा बहुत अच्छा बना था पर एक बात है इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अच्छा परफेक्ट डोसा बनाने के लिए आपको टेम्परेचर मॉड्यूलेशन ध्यान देना पड़ता है तभी एक अच्छा क्रिस्पी डोसा बनता है और यहाँ पर मेरा पाड़ा चढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही है कि मम्मी खाना दो मम्मी खाना दो फाइनली जब मेरे डोसाज बनकर रेडी हुए तब मेरे जान में जान आई अब प्लेट तैयार हो गई है चलिए सर्व करते हैं किड्सर है और इतनी देर के बाद खाना मिलेगा तो बेचारे खुशी होंगे ना फाइनली मेरे खाने की बारी आ जाती है और मेरे लिए देखिए आलू की सब्जी इतनी ही बची थी मुझे लगा ही था ये कम पड़ेगी एनी वेज बाकी सबका तो पेट भर गया वो भी बहुत है चलिए मैं अब खाती हूँ और आपको रिव्यू करती हूँ कि कौन सी चीज कैसी बनी थी भाई मुझे तो वैसे ही डोसा बहुत पसंद है तो इसलिए मुझे सच में बहुत अच्छा लगा थोड़ी सी जो कोकोनट चटनी थी उसमें नमक ज़्यादा था पर ठीक है बैलेंस हो गया तो भाई किसी दिन आप भी अपना नींद और चैन आराम करके बनाइए ये डोसा विद दो चटनी जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है पर वर्ड्स स्पेंडिंग है पहले कुछ ज़्यादा डिमोटिवेट तो नहीं कर दिया एनी दोस्तों आई होप यू लाइक टू वीडियो और कमेंट करिए कि आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो पर सी यू द नेक्स्ट वीडियो जयराम जी की